हरिओम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बनाना सीखेंगे गणेश भगवान जी की मूर्ति। तो दोस्तों पहले तो ढेर सारी मिट्टी ले लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना देंगे। इसी को दोस्तों आधा चांद बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज बनाना सीखेंगे चांद पर बैठा हुआ गणेश जी की मूर्ति। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चांद का स्ट्रक्चर बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों चांद को बना देने के बाद अभी थोड़ा सा मिट्टी और लेंगे और कुछ इस प्रकार से कॉइल बना देंगे दोस्तों लंबा करके। दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना दिए, तो इसी को दो भाग करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा और मिट्टी ऐड करेंगे। इसी को दोस्तों पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे। ऊपर के साइड पर थोड़ा मोटा होगा और नीचे के साइड थोड़ा पतला, तो इस कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। कॉइल बनाने के समय पे ही ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, जैसे मिट्टी ऐड करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों पैर को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चांद के ऊपर में कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से बैठा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद वहाँ पर ढेर सारा मिट्टी लेंगे और इसी को दोस्तों हम पेट बनाएंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हाथ से बेल बेल करके लड्डू की तरह बना लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से लड्डू की तरह बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे पैरों के साथ ज्वाइंट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से ज्वाइंट हो जाए वहाँ पे पैरों के साथ। दोस्तों इतना बना देने के बाद अभी चेस्ट को बना रहे हैं। चेस्ट को बनाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ जहाँ पे मैं ऐड करता जा रहा हूँ इसी प्रकार से ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से चेस्ट को बना देने के बाद अभी धोती को बना रहे हैं। धोती को बनाने के लिए पतला पतला स्लेब की तरह बना लेंगे और इसी को दोस्तों वहाँ पे पैरों के साथ कुछ इस प्रकार से वहाँ पे चिपका देंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से चिपका देने के बाद वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी से वहाँ पे फिनिशिंग भी कर देंगे की मदद से। आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे उंगली का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उंगली से हो सकता है तो उंगली से की कीजिएगा दोस्तों। और अभी दोस्तों टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से को बना लेंगे। फोल्ड को बना देने के बाद यहाँ पे ब्रश का यूज़ करेंगे, क्योंकि उंगली से करेंगे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, इसलिए वहाँ पर ब्रश का यूज़ करेंगे तभी जाकर अच्छा बनेगा। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद दोस्तों अभी कमर बंधन के लिए दोस्तों पतला कॉइल बना लेंगे। कॉइल बना करके दोस्तों बीच में एक लड्डू की तरह बना करके वहाँ पे चिपका देंगे और साइड साइड में कॉइल को चिपका देंगे। तो इसी प्रकार से उतना बना देने के बाद अभी बना रहे हैं हाथों को। हाथों को बनाने के लिए दोस्तों जैसे पैरों को बनाए थे उसी प्रकार से लंबा कॉइल बना लेंगे और उसी को दोस्तों दो भाग करके कुछ इस प्रकार से बैंड करके दोस्तों हाथों को बना लेंगे। और उंगलियों को बनाने के लिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से छोटा छोटा कॉइल बना लेंगे। कॉइल बना करके दोस्तों चारों को कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। चिपका देने के बाद अंगूठा को भी कुछ इस प्रकार से बना देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरी हाथ को भी बना लेंगे। और एक बात मित्रों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे इसी प्रकार की और भी मूर्ति मेकिंग वीडियो देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो। और दोस्तों इसी मूर्ति को आगे कलर मारना भी सीखेंगे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसी चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों दोनों हाथों को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे हाथों को। एक हाथ को तो आशीर्वाद देते हुए बनाए हैं दोस्तों और एक हाथ को घुटने पे कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से दो भुजाओं वाला ही बनाए हैं दोस्तों, आप चाहो तो चारों भुजाओं वाला भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों दो भुजाओं वाला बना दिया दोस्तों चांद पे बैठा हुआ कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद वहाँ पे गर्दन हो गया दोस्तों कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा मिट्टी दे देंगे लंबा करके गर्दन बना देंगे। थोड़ा लंबा ही रखेंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जब चेहरे को बनाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर ज्वाइंट करने के लिए थोड़ा लंबा रखेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहेगा तो पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों बना देने के बाद अभी गोल्ड के लिए थोड़ा सा पतला कॉइल बना लेंगे। कॉइल बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे नीचे के साइड में थोड़ा बहुत डिजाइन करने के लिए गोल गोल शेप में देंगे और टूल की मदद से दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा
सिंपल सा डिज़ाइन कर लेंगे। तो इतना बना देने के बाद अभी चेहरे को बना रहे हैं दोस्तों। चेहरे को बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी लेंगे शरीर के अकॉर्डिंग के हिसाब से, और दोस्तों उसी के हिसाब से लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोल शेप में बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से वहाँ पे ऊपर के साइड में पतला कॉयल बना करके दोस्तों मुकुट के लिए बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बना देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऊपर के साइड में थोड़ा और मिट्टी दे देंगे और मुकुट को बना लेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से सिंपल सा मुकुट। मुकुट को बनाने का यही रीज़न है कि पहले दोस्तों पहले पेस बना देंगे तो दोस्तों जब मुकुट का बनाने का समय आएगा तो दोस्तों ख़राब हो सकता है पेस, इसलिए पहले तो मुकुट ही बनाना चाहिए दोस्तों। जब मुकुट बनाना मतलब मूर्ति के जहाँ पे मुकुट जरूरी है बनाना वहाँ पे, तो दोस्तों इसी प्रकार से बना देने के बाद अभी नाकों को बनाने के जगहों पे दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे अंगूठे की मदद से, और दोस्तों वहाँ पे प्रेस कर देने के बाद सूंड के लिए दोस्तों थोड़ा पतला कॉयल बना करके दोस्तों सूंड बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, और दोस्तों गालों को थोड़ा बहुत ऊपर करने के लिए दोस्तों गालों की जगहों पे थोड़ा बहुत मिट्टी ऐड कर देंगे, और मिट्टी ऐड करने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से डिटेलिंग करने के लिए। तो इसी प्रकार से पेस्ट को बना देंगे दोस्तों। बनने का वीडियो में मैं मिलता हूँ आप लोग को वीडियो के अंत में, तब तक एंजॉय करते रहिएगा। दोस्तों गणेश जी का सब कुछ बना देने के बाद अभी बना रहे मूषक राज को। मूषक राज को बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और कॉल सब में बना करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से मतलब कॉल बना करके हाथ फेयर बना देंगे तो बन जाएगा हमारा मूषक राज जी। तो इसी प्रकार से बना देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों हमारा गणेश भगवान जी की फाइनल लुक।